राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि कई प्रेम कहानियां भी हैं। यहाँ कभी एक वेश्या ने अपने प्रेम के लिए पूरी सल्तनत को चुनौती दी, तो कभी एक दासी के रूप के आगे राजा नतमस्तक हो गए। लेकिन राजस्थान की सबसे प्यारी प्रेम कहानी है ढोला मारू की। राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्र में आज भी ढोला मारू की कहानी सुनाई जाती है। आज तो फिर भी कई साधन हैं, लेकिन उस समय के बारे में सोचो जब किसी को अपने दिल की बात कहने के लिए कितने पापड़ बेलने होते होंगे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार करने वालों के बीच ना कोई भाषा आती है और ना ही कोई दूरियां। ढोला मारू की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राजस्थान में पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियाँ अपने प्रियतम को ढोला के नाम से पुकारती है। ढोला शब्द पति शब्द का ही पर्यायवाची बन चुका है। ये कहानी सिर्फ प्यार के लिए ही नहीं है, बल्कि एग्जाम के लिए भी है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ढोला की आयु पूछ ली जाती है, मारू की आयु पूछ ली जाती है, वो कहाँ के थे, शादी कब हुई थी, ये सब पूछ लिया जाता है। तो इन कहानियों से हमारे क्वेश्चन भी तैयार होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी। नरवर का एक राजा था जिसका नाम था नल, और उसके बेटे का नाम शालय कुमार था, जिसको ढोला का नाम दिया गया है। पहले के समय क्या होता था कि राजस्थान में बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। तो ढोला की शादी उस वक्त जांगलू, जो आज बीकानेर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा पिंगल की बेटी से कर दी गई थी। विवाह के समय ढोला की उम्र सिर्फ 3 साल की थी। शादी तो बचपन में कर दी जाती थी, लेकिन लड़की को ससुराल बड़ी होने पर ही भेजा जाता था। शादी के समय मारवणी, जिसको मारू कहा गया है, उसकी आयु मात्र 1.5 साल की थी। इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया था। जब ढोला बड़ा हुआ तो उसकी दूसरी शादी हो गई थी मालवा की राजकुमारी मालवण से। ढोला को अपने बचपन की शादी का कुछ याद नहीं था, लेकिन मालवण ने पता लगा लिया था कि ढोला की बचपन में शादी हो गई थी। मालवण ने सेवकों से कह रखा था कि पुगल से कोई भी लेटर आए तो पहले मुझे बताओ, चाहे कोई भी समाचार आए। जब मारू बड़ी हो गई तो पुगल से समाचार भेजा गया ढोला के पास कि आप आओ और मारू को लेके जाओ, लेकिन मालवण वो समाचार ढोला के पास पहुँचने ही नहीं देती थी। कोई लड़की चाहती है क्या भला कि उसकी कोई सौतन आए। एक दिन रात को मारू को ढोला का सपना आया, तो मारू ने अपनी माँ को बताया कि सपने में मुझे मेरे राजकुमार लेने आए हैं। ये सुनकर मारू की मार होने लगती है। कहती है, तेरी शादी तो बचपन में कर रखी है, हमने समाचार भी भेजे हैं, पर पता नहीं तुझे क्यों लेने नहीं आ रहे। मारू कहती है, सपने में तो मुझे बड़ी हंसी खुशी से लेने आया था। मारू अपने सपने की बात बताने के बाद अपनी सहेलियों के साथ दिन भर खिलखिलाती घूम रही थी। जब सहेलियों ने मारू की खुशी का राज पूछा कि क्या बात है, तो मारू कहती है, एक बात तो जरूर है पर मैं बता नहीं सकती। अखत कहानी प्रेम की, मुखसो कहीं न जाए, गुंगो रो सपनो भयो, सुमर सुमर पछताए। मारू कहती है कि ये प्रेम की अकथनीय कहानी है, जिसको मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकती। ये उसी प्रकार है जैसे किसी गुंगे को सपना आना। अगर हम जैसे लोगों को सपना आता है तो हम बता देते हैं, लेकिन अगर किसी गुंगे को सपना आया तो मन ही मन खुश होता रहता है कि मुझे एक अच्छा सपना आया। तो इसी प्रकार एक प्रेम का सपना होता है कि हम किसी से कह नहीं सकते कि मुझे आज क्या सपना आया था। ढोला की तरफ से कोई समाचार ना आने पर फिर इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेशवाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों ना किसी चतुर डोली को नरवर भेजा जाए, जो गाना गाकर ढोला तक मारवणी का संदेश पहुंचा सके और बचपन में की हुई शादी की याद दिला सके। जब डोली नरवर के लिए जा रहा था, तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाया और मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के पास जाकर ये गाकर सुनानी है। डोली ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर डोली किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुँचने में कामयाब रहा और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियाँ चमक रही थी, झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में डोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में डोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला भी राग में झूमने लगा। तब डोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरिया धन पुंगल गलिया है। गीत में पुगल व मारवाणी का नाम सुनते ही ढोला को सब याद आ गया। डोली ने मल्हार व मारू राग में मारवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने रख दी हो। डोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुगल से लाया मारवणी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उसको याद कर रही है। आखिर ढोला ने मारू को लाने के लिए पुगल जाने का निश्चय किया, पर मारवणी ने उसे रोका। कभी कहा कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाते, कभी बारिश का मौसम, कभी सर्दी का मौसम। हमेशा मालवणी कोई ना कोई बहाना बनाकर ढोला को रोक ही लेती थी। एक दिन ढोला
एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने पहुंच ही गए। मारवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवणी को सांप ने काट लिया, लेकिन शिव पार्वती ने आकर मारवणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमरा सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमरा सुमरा ढोला को धोखे से मारकर मारवणी को हासिल करना चाहता था। उमरा सुमरा ढोला के रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल जमा कर बैठ गया। जब ढोला वहां से गुजरा तो उमर ने उससे वहां रुकने का आग्रह किया और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवणी को ऊंट पर बैठे रहने के लिए कहा और खुद उमरा के पास जाकर अमल की मनुहार लेने बैठ गया, लेकिन वहां भी डोली ने चुपके से आकर षड्यंत्र के बारे में मारू को बता दिया। मारू ने ऊंट को एडी मारी और ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारू ने कहा, ये धोखा है, जल्दी ऊंट पर बैठो। ढोला उछलकर ऊंट पर बैठ गया। उमर सुमरा ने भी घोड़े पर बैठकर ढोला का पीछा किया, लेकिन ढोला का ऊंट उनके हाथ ही नहीं आया। ढोला मारू को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मसलता रह गया। जब राजकुमारी मारू नरवर पहुंची तो वहां राजकुमारी का स्वागत किया गया और वहां की रानी बनकर राज करने लगी। ढोला मारू की प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।